वेलकम फ्रेंड, आपका फिर से स्वागत है स्टडी कॉर्नर में। आज का जो टॉपिक है इडियम फ्रेज के लिए, जो आप साफ साफ स्पष्ट देख रहे होंगे, बैनर भी आ गया, आप जैसे आप वीडियो क्लिक करेंगे तो उसमें लिखा होगा इडियम फ्रेज। तो इडियम फ्रेज है तो एक मिशन के तौर पर हम लोग ए टू जेड तक चल रहे हैं, तो मैंने वादा किया कि एक सप्ताह के अंदर इसको ख़त्म कर देना है और बस ख़त्म होने ही वाला है, विश्वास रखिए। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। इसके पहले मैंने ए से लेकर के आई तक और यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। आज का बारी है जे और के लिए, तो छोटा छोटा है, आसान है, तो इस वीडियो के एंड तक देखें, आपको कन्फर्म याद होगा, ये विश्वास है मेरा भी और आपका बिल्कुल है ही। चलिए, आप नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, जीके ट्रिक के लिए भी, और मैथ ट्रिक मैं जल्द ही शुरू करने वाला हूँ, जल्द ही, ठीक है। और फिलहाल चलो मेरे बात बात कम करते हैं, अब शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है जॉ ड्रॉप्ड। जॉ ड्रॉप्ड मतलब होता है पूरी तरह आश्चर्यचकित। जॉ का मतलब होता है जबड़ा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे पिक लगाई है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने पिक लगाई है इसमें एक इसमें जो जबड़ा है नीचे की तरफ आ गया है, तो जबड़ा जो है ड्रॉप्ड हो गया, नीचे की तरफ आ गया है। तो किसी का मुँह अचानक खुल जाए तो कैसा लगेगा? लगेगा कि आश्चर्यचकित, या फिर कोई आश्चर्यचकित होता है कैसे हो जाता है, उसका मुंह खुल जाता है, तो क्या जॉ ड्रॉप्ड, पूरी तरह आश्चर्यचकित। आगे है जंप ऑन द बैंड वेगन। इसका मतलब होता है किसी लोकप्रिय चीज़ का अंधा अनुकरण। यहाँ पे जो एक वर्ड है बैंड वेगन, इसका मतलब होता है, डिक्शनरी में आप सर्च कीजिएगा, इसका मतलब गाड़ी में सवार हो जाना। इसका अलग मीनिंग कहा जाए तो जो जैसा कहे उसके अनुसार चले जाना। कोई आया बोले कि अरे यार ऐसा ऐसा हो गया, या फिर बोलेगा कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं ये करूँगा, मैं बीए करने मैं करूँगा एमबीए करूँगा, तो चल चलो मैं भी करूँगा, मैं भी करूँगा, तो जो कह रहा है उसी के साथ वो मान लेकर पीछे पीछे चले जाना। तो जंप ऑन द बैंड वेगन, लोकप्रिय चीज़, कुछ भी, कोई भी, किसी चीज़ का अंधा अनुकरण करना, अनुकरण समझ रहे हैं, अनुकरण करना, उसका बात मानना, जो जैसा कर रहा है उसे करते रहना, अंधा अनुकरण बोलते उसको। जंप टू ए कंक्लूजन, जंप टू ए कंक्लूजन मतलब पर्याप्त आधार के बिना जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना। देखिए फिर से, ये कंक्लूजन जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि निष्कर्ष, ठीक है। तो कंक्लूजन है तो निष्कर्ष निकालना है। अब यहाँ पे जंप टू है तो मैंने बताया था ना कि जंप ऑन, जंप टू, ये सब जितना है इसका मतलब होता है कि बिना मतलब कि बिना सच्चाई जाने, न बिना कुछ आधार के, ये देखिए भी बिना सच्चाई, बिना किसी जाने हुए उसका अंधा अनुकरण कर रहे हैं, और यहाँ पे जंप टू कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल रहे हैं लेकिन बिना किसी आधार का, बिना जाने, ठीक है, बिना पर्याप्त आधार के ही निष्कर्ष निकालना। जंपिंग डाउन वंस थ्रोट, देखिए जंपिंग डाउन वंस थ्रोट, थ्रोट थ्रोट मतलब क्या होता है, गला। इसको याद रखने के लिए आसान सा है, आपको इस तरह का फ्रेज बहुत कम ही मिलेंगे थ्रोट वाले, तो थ्रोट वाला है, देखिए कोई गला फाड़ फाड़ के आगे आपके सामने अगर चिल्ला है तो मतलब गुस्सा में ही है ना, बिना मतलब का कोई गला फाड़ के तो आपके सामने चिल्लाएगा नहीं, तो गुस्सा में है तो गला फाड़ के चिल्लाएगा ही। जंपिंग डाउन वंस थ्रोट, ये वाला गुस्से में किसी से बात करना या प्रतिक्रिया देना। चलिए, इडियम फ्रेज स्टार्ट्स के, आई का ख़त्म कर लें, चार है इसमें, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ढक देते चलिए, चूँकि इडियम फ्रेज है तो देख लेते हैं। जंप ड्रॉप्ड, जॉ ड्रॉप्ड मतलब कि ये देखिए, जॉ ड्रॉप्ड जबरा नीचे आ जाना, मतलब कि आश्चर्यचकित होना, पूरी तरह आश्चर्यचकित। जंप ऑन द बैंड वेगन, जो जैसा कहे उसका अंधा अनुकरण करना, या फिर किसी लोकप्रिय चीज़ का अंधा अनुकरण करना। जंप टू ए कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना लेकिन बिना आधार का, बिना पर्याप्त आधार का ही निष्कर्ष निकालना। जंपिंग डाउन वंस थ्रोट है यहाँ पे, ये हो गया क्या, किसी पर गला फाड़ फाड़ चिल्लाना, यानी किसी से गुस्से में बात करना या प्रतिक्रिया देना, नो डाउट याद हो गया होगा। आगे है के से, अब इडियम फ्रेज का मैं बता दूं फ्रेंड कि इडियम फ्रेज अगर याद करना है ना तो कोई एक ऐसा दो तीन वर्ड चुन लीजिए उसमें से जो आपको मीनिंग हमेशा के लिए याद दिलाता रहे। जैसे मैं इसमें कुछ रेड कर दिया हूँ आपको कुछ याद रखने के लिए, देखिए कीप ए लेवल हेड, कीप ए लेवल हेड मतलब होता है मानसिक संतुलन बनाए रखना। यहाँ पे एक हेड है, अगर मानसिक संतुलन मतलब क्या होता है, दिमाग से, तो मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं कह रहा है कि वो हेड के लिए, तो ये हेड के लिए मानसिक संतुलन हो गया।
और लेबल, लेबल में रहना मतलब क्या हो गया, लेबल में रहना मतलब संतुलन बनाना, मतलब तो यही हो गया, मतलब कि अगर हेड मतलब मानसिक, तो लेबल हेड यानी कि मानसिक संतुलन बनाना, बना के रखना, कीप ए लेबल हेड, ये रखना हो गया, बना कर रखना। कीप अब्रेस्ट ऑफ, कीप अब्रेस्ट ऑफ, देखिए यहाँ पे अब्रेस्ट मतलब होता है बराबरी, साथ साथ चलना ही होता है इसका मीनिंग। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि इत्तेफाक से एजेंट से जैसे सेम मीनिंग कह दिया है यहाँ पे। कीप एवरेस्ट ऑफ, किसी चीज के बराबर चलना, किसी चीज के साथ साथ चलना, सेम टू सेम मीनिंग दे दिया, एवरेस्ट मतलब साथ साथ बराबरी। कीप एन ओपन हाउस, ये तो बहुत ही आसान सा है, आपको सीधे मालूम हो गया होगा कि कीप एन ओपन हाउस मतलब हो गया सभी का खुले दिल से स्वागत। आइए, आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है, आपके लिए घर पूरा खुला हुआ है, जहां रहना है वहां रहिए, तो खुले दिल से स्वागत। कीप एट आर्म्स लेंथ, ये हो गया परहेज करना, दूर रखना किसी को, अगर कह रहे हैं कि मेरे जितना हाथ है उस हाथ से, जितना मेरे हाथ की लंबाई है उतना तुम दूर रहो, वहाँ से तुम पास मत आना। तो ये जब भी आता है आर्म्स लेंथ यानी कि अपने हाथ से जितना हाथ दूर है वहाँ से दूर, उसको ढकेल रहे हैं अपने हाथों से, तो अपने हाथ से दूर कर रहे हैं, बस ये तो फीलिंग आपको दिख रहा होगा सब सब। इधर कीप एट बे, हटना बे, तो अपने से दूर रखना, ये बोलते हैं ना आप लोग हमेशा यूज करते होंगे, दोस्ताना बिहेव करते हैं, तो हटना बे, चल बे, तो बे बे यूज करते होंगे, और ये है कीप एट बे, हट बे, हट बे, दूर रह बे, तो गया अपने से दूर रखना। आगे देखते हैं, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ये हो गया मुश्किल से गुजर बसर कर पाना। यहाँ पे देखिए कि बॉडी यानी शरीर, सोल मतलब आत्मा, तो सीधा सा दिख रहा है कि आत्मा और शरीर दोनों को बना के रखना है, तो भाई जैसे तैसे पेट भरना पड़ेगा, अपना गुजारा करना पड़ेगा, वो बात कर रहे हैं। तो इन दोनों को बना के रखना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गुजर बसर करना, गुजर बसर कर पाना, इसका ये साफ साफ दिख रहा होगा आपको, बॉडी एंड सोल टुगेदर, ऐसे तो साथ ही रहते हैं, लेकिन क्या जरूरत पड़ेगी, कीप करना पड़ रहा है, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, क्योंकि गरीबी है तो मुश्किल से गुजर बसर कर पा रहे हैं बेचारा। चलिए आगे है, कीप चिन अप, परिस्थिति बनाए रखना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है चीन, चीन से आप चीन देश याद कर लीजिए, तो एक चीन ऐसा देश है जो हमेशा मतलब कि दादागिरी करते रहता है, हमेशा रोब चलाना, अधिकार करना, आए दिन मतलब उसे परिस्थिति हमेशा बना के रखना पड़ता है, क्योंकि वो मतलब कि बहुत अमीर देश टाइप का हो गया है वो। तो कीप चीन ऑफ, उसका बाजार भी है बहुत ज़बरदस्त, भारत के साथ उसका रिश्ता भी है, तो तोड़ भी नहीं सकते हैं, तो परिस्थिति बना के रखना पड़ता है, कीप चीन ऑफ, ठीक है, चीन से परिस्थिति बनाए रखना। कीप ईयर टू द ग्राउंड, कीप ईयर टू द ग्राउंड मतलब क्या हो गया, परिस्थिति पर नज़दीकी बनाए रखना। इसको याद रखने के लिए मैं ये फिगर दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखाई दे आपको। यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति जो है अपना ईयर जो है ग्राउंड पे लेटा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे देखने से लग रहा है क्या कि वो मतलब देख रहा होगा, आप ये मत सोचिए कि ट्रेन आ रहा हो आत्महत्या कर रहा है, ऐसा मत सोचिए, कुछ सोचिए कि देख रहा होगा सीधा है या नहीं, ऐसा भी हो सकता है, तो अपनी आंखों से वो सीधा देख रहा है कि सीधा है या नहीं। तो परिस्थिति मान लीजिए कि पटरी जो है परिस्थिति हो गया, अब परिस्थिति से वो क्या हुआ, नज़दीकी निगाह बना के देख रहा है वो, तो ऐसे तो ईयर तो ग्राउंड पे आया लेकिन आंखों से क्या कर रहा है वो, परिस्थिति में नज़र बना रखा है। आप जैसे सोचिए सोच सकते हैं, यहाँ पे कीप ईयर टू द ग्राउंड, तो बस कान तो जमीन पे जा रहा है लेकिन आंखें आपकी परिस्थिति पर जा रही है, कि कैसा परिस्थिति है, परिस्थिति पर नज़दीकी निगाहें रखना। कीप आइज पील्ड, कीप आइज पील्ड मतलब चौकन्ना रहना, यहाँ पे मैं पिक्चर ये दिखा देता हूँ, चौकन्ना रहने के लिए ध्यान से दिख लेगा, आइज पील्ड मतलब क्या होता है कि आंखें खुली रखना, तो ये आंखें खुली एकदम, अगर चौकन्ना रहना है मतलब आपके सामने सांप है तो आप तो एकदम नज़र झपकाते भी नहीं होंगे, मान लीजिए आपके एकदम पग बगल में सांप है तो आप क्या कहिएगा, एकदम आंखें खुली रखिए कहीं काट ना ले, कुछ भी मतलब फीलिंग कुछ सोच लीजिए। कीप आई पील्ड मतलब चौकन्ना रहना। आगे है कीप फिंगर्स क्रॉस्ड, परिणाम के प्रति जागरूक परंतु आशान्वित रहना। ये देखिए ये बच्चा है, इसको मैं दिखाता हूँ, इसने क्या किया, कीप फिंगर क्रॉस्ड, इसने फिंगर को क्या किया अपने हाथों से
क्रॉस कर रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई लॉकी ड्रॉ खेला है या फिर कोई गेम खेल रहा था, या फिर रिजल्ट आने वाला है, ऐसा भी सोचता है रिजल्ट आने वाला है उसके लिए, यस भगवान भगवान कर रहा है कुछ, तो परिणाम के प्रति जागरूक है लेकिन एकदम श्योर नहीं है, आशान्वित है, भगवान के ऊपर डिपेंड है, आशा रखा हुआ कि यह ठीक हुआ ठीक होगा। तो हो गया कीप फिंगर क्रॉस्ड, एक पिक्चर याद रखिएगा फिंगर क्रॉस्ड वाला, ठीक है, परिणाम के प्रति जागरूक परंतु आशान्वित रहना। कीप हेड, कीप हेड का मतलब होता है मुश्किल परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखना। यहाँ पे देखिए हेड यहाँ पे आ गया, फिर से मैंने बताया था कि हेड जब भी आएगा तो मानसिक संतुलन, तो यहाँ देखिए फिर से हो गया, ये रहा मानसिक संतुलन का, तो मानसिक संतुलन हो गया और हेड मतलब मानसिक संतुलन, तो कीप हेड, अब मानसिक संतुलन बना के रखना पड़ रहा है, तो फिर से वही हो गया मानसिक संतुलन बनाए रखना, और परिस्थिति कैसा है तो मुश्किल परिस्थिति है। ओके, वो भी ऊपर जैसे हम लोग देख लेते हैं, ऐसा ही कुछ है ये भी। आगे है कीप हेड एबव वाटर, फिर से देखिए हेड आया यहाँ पे, तो मुश्किल परिस्थिति से सफलतापूर्वक निपटना, तो आप क्या कर रहे हैं कि नदी में डूब रहे हैं, बाढ़ आया हुआ है, मान लीजिए बहुत जबरदस्त बाढ़ आया हुआ है, आप उसके बीच में हैं, तो आप ये सामने आपके सामने वो बाढ़ जो है वो मुश्किल परिस्थिति है, ध्यान समझिएगा बाढ़ जो है वो मुश्किल परिस्थिति है आपके सामने, अब उससे आपको निपटना है, तो आप क्या कीजिएगा अपना हेड जो है पानी से बाहर निकाल लीजिएगा ताकि आप उससे निपट सकें, जिंदा रह सकें, इसके लिए सांस ले सकें, तो सफलतापूर्वक निपटना किससे, मुश्किल परिस्थिति से। कीप इन द डार्क, कीप इन द डार्क का मतलब होता है किसी को संशय में बना के रखना या फिर उसको सच्चाई नहीं बताना, इसका एक और कह सकते हैं कि अंधेरे में रखना, एग्जैक्ट मीनिंग, और इससे मीनिंग साफ साफ दिख रहा है कि अंधेरे में किसको रखा जाता है जब किसी को नहीं बताना हो, तो किसी को अंधेरे में रखना ये बहुत आसान सा है। आगे देखते हैं हम लोग, कीप वंस वर्ड, कीप वंस वर्ड मतलब अपने वचन को पूरा करना, अब वंस वर्ड यानी कि अपना वचन, वर्ड मतलब कि यहाँ पे वचन है, ठीक है, यहाँ पे वर्ड अपने शब्दों को पूरा करना, आपने जो शब्द यूज किया था उसको पूरा कीजिए, मैं ये करूँगा मैं वह करूँगा वो वाला बात, कीप वंस वर्ड अपने वचन को पूरा करना। अगला है कीप पैंट्स ऑन, ये है धैर्य बनाए रखना, ये बड़ा ही अजीब सा इडियम फ्रेज है, देखिए यहाँ पे इसको बताते हैं कि पैंट्स ऑन, इसको समझिएगा तो बता दूंगा। देखिए पैंट किसी का लूज हो तो क्या करते हैं लोग, पैंट को बांधे रखने के लिए उसमें बेल्ट लगाते हैं, रस्सी बांधते हैं, जैसे भी करते हो, तो कीप पैंट्स ऑन तो क्या करते हैं पैंट को लोग बनाए रखने के लिए उसको रस्सी या फिर बेल्ट लगाते हैं, बांधते हैं उसको, तो ऐसे याद रख सकते कि वो धैर्य बना के रखे हुए हैं, उसको बना के रखे हुए हैं, बांध के रखे हुए हैं, तो ऐसा कुछ मीनिंग रख लीजिए मन में, कुछ खास ये मीनिंग नहीं है इसका। आगे बहुत जगह यूज भी होता है ये कीप पैंट्स ऑन, बहुत जगह लिखा भी रहता है कीप पैंट्स ऑन, धैर्य बनाए रखें। कीप द वॉल फ्रॉम द डोर मतलब भुखमरी से बचना, इसको समझाने के लिए मैं बताता हूँ, ठीक है, जैसे कि ये पिक्चर है, ठीक है, इस पिक्चर में ये जो वॉल्फ है ये डोर के पास में है, एक व्यक्ति है बहुत गरीब है, अगर मान लीजिए कि ये बहुत गरीब है और वॉल्फ आया है दरवाजे पे, तो आप वॉल्फ को अंदर नहीं घुसने देंगे, क्योंकि अगर अंदर आ गया तो जितना भी खाने का सामान है उसको क्या करेगा, वो खा जाएगा, और बेचारा गरीब क्या खाएगा, वो तो भूखे मर जाएगा, इसलिए क्या करना पड़ता है कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर मतलब कि वॉल्फ को घर से दरवाजे से दूर रखना ताकि घर में का खाना ना खा जाए वो कहीं, तो गरीब के लिए बहुत सोचना पड़ता है भाई, कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, वॉल्फ को डोर से दूर रखना ताकि आपका खाना ना खा जाए और आप भुखमरी से मर ना जाए, यानी भुखमरी से बचने के लिए कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर। कीप अंडर रैप्स, यहाँ पे रैप्स जो मतलब होता है छिलका होता है या फिर आप कह सकते हैं ढकना, ढकने ढकने के लिए, तो किसी चीज़ को ढक दिए, तो मान लीजिए कि किसी को बताना नहीं है, किसी को छिपा किसी से छुपा के रखना, तो क्या कहते हैं उसको रैप के अंदर बांध देता है, छिपा दिया जाता है, तो हो गया रहस्य रखना। या फिर आप कह सकते हैं पहला पहला आप चॉकलेट खा रहे हैं, सबसे न्यू चॉकलेट, अब अंदर क्या है तो आपको तो मालूम नहीं है, क्योंकि चॉकलेट के ऊपर जो रैपिंग रैप होता है, छिलका जो होता है वो ऊपर से ढका रहता है, अब अंदर कैसा कलर का है, लाल है, उजला है, चॉकलेटी कलर है, कैसा कलर आप तो नहीं जानते हैं, जब तक आप उसको खोलेंगे नहीं तब तक तो नहीं जानते हैं, तो कीप अंडर रैप्स मतलब हो गया रहस्य का, रहस्य रखना, ये उसको रखना, कीप रखना
अंडर रैप्स। कीप वंस कीप अप वंस अपियरेंसेस, मतलब आर्थिक संकट के बावजूद अपनी समृद्धि का दिखावा करना। यहाँ पर देखिए कितना आसान सा है, यहाँ पे आर्थिक संकट के बावजूद अपनी समृद्धि का दिखावा करना, यहाँ पे अपियरेंसेज, अपियरेंसेज मतलब होता है दिखावटी, दिखावा करना। तो दिखावा करना, किसको दिखावा करने की जरूरत पड़ती है बताइए? दिखावा उसी को करना पड़ता है जिसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि जिसके पास है तो दिखाने के लिए वो कुछ भी, मतलब कि वो तो दिखाएगा क्या, वो तो जो है वो है, लेकिन जिसके पास नहीं है वही दिखावा करता है। उस तरह समझिए, कीप अप वंस अपियरेंसेज। तो आर्थिक संकट है, गरीब है, लेकिन फिर भी अपना समृद्धि का दिखावा कर रहा है वो। इससे आपको याद आएगा, इस वर्ड को आप देख लें, ये वर्ड आपके लिए ये बेनिफिट होगा। अपीयरेंसेस मतलब दिखावा करना, कब दिखावा करना? आर्थिक संकट के बावजूद। आगे है किक इन द टीथ, बुरी या अचानक निराशाजनक खबर। चलिए ये देखिए, फुटबॉल खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे थे, अचानक क्या हुआ, खेलते खेलते जो किक है, यहाँ पे मीनिंग भी देख लीजिए, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, किक इन द टीथ, दांत पे लगा सीधे जाके, और ये सब कुछ अचानक ही होता है खेल में, अचानक कोई जानबूझ के तो मरता नहीं है। तो किक इन द टीथ, तो ये बुरी और बहुत ही अचानक खबर है, बेचारा का दांत टूट गया होगा जैसा भी। तो किक इन द टीथ, बुरी या अचानक निराशाजनक खबर, अचानक ही होता है ना। किक द बकेट, किक द बकेट एक बहुत ही नॉर्मल है, बहुत जगह मतलब कि आप देखे होंगे, किक द बकेट मतलब मर जाना, बहुत ही सिंपल सा है, ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है, तो मर जाना होता है, शुरू से भी जानते होंगे आप। चलिए आगे बात करते हैं, काइंडर्ड स्प्रिट, एक वर्ड है यहाँ पे, काइंड काइंड का मतलब होता है दयालु, और दयालु जो होते हैं वो हर किसी की भावनाओं को महसूस करते हैं, समझते हैं, जानने वाले होते हैं। तो दयालु एक वर्ड ही ऐसा है कि इसमें सब कुछ झलक रहा है बात से, कि उसके अंदर दयालुता है, तो वो किसी की भावनाओं को समझ रहा है, फील कर रहा है, सहानुभूति को समझ रहा है। तो काइंडर्ड स्पिरिट, दयालु आदमी, भावनाओं को समझने वाला आदमी। आगे है किंग ऑफ मेटल, किंग ऑफ मेटल मतलब होता है सोना, धातुओं का राजा किसको कहा जाता है? तो सोना को कहा जाता है, सिंपल सा है। किथ एंड किन, ये देखिए सिंपल, वही किक द बकेट टाइप का ही एकदम सिंपल सा, किथ एंड किन नजदीकी सगे संबंधी, इसका मतलब होता है किथ एंड किन सगे संबंधी, नजदीकी संबंधी। आगे है नी जर्क रिएक्शन, तुरंत एवं स्वाभाविक प्रतिक्रिया। नी रिएक्शन मतलब क्या होता है? प्रतिक्रिया। तो आपके लिए यहाँ पे की वर्ड क्या हो जाएगा? रिएक्शन, रिएक्शन मतलब होता है प्रतिक्रिया, तो रिएक्शन हो गया ये आपके प्रतिक्रिया। तो कैसी प्रतिक्रिया? तो एकदम झट से प्रतिक्रिया देने वाला, झट झट से प्रतिक्रिया। मान लीजिए आपका कोई, आप उंगली रखे हुए हैं, अचानक उंगली पर कुछ भारी सामान गिर जाए, तो आपका मन स्वभाव प्रतिक्रिया, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, अचानक से उंगली करते खींचते हैं, उफ तुरंत खींचते हैं उंगली और अपना रिएक्शन दिखाते हैं, तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। या फिर किसी को सर पे एक थप्पड़ दे दीजिए, तुरंत सर पलट के देखेगा, आपको भी मार देगा कहीं, हो सकता है। तो ये सब स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, स्व प्रतिक्रिया, तो ये सब अनकंट्रोल बोल सकते हैं, स्वाभाविक प्रतिक्रिया, झट से रिएक्शन, झर्क झर्क, झट याद रखिएगा। नीट ब्रोज, नीट बोरोज, ब्रोज ये चिंतित और नाराज होना, नेट ब्रोज याद रखेंगे इसको, उसका कोई ट्रिक नहीं है, रेड कलर में पूरा का पूरा कलर है। तो एक ये लास्ट वाला, ये आपके लिए बना दे इसका ट्रिक, मन में याद रख लें इसको। लास्ट है नो विच वे द वाइंड ब्लोज, यह होता है यह जानना कि परिस्थिति में क्या बदलाव हो रहा है। इसको समझना बहुत आसान है, वे द वाइंड ब्लो जानना, नो मतलब जानना, जानना यहाँ भी है देखिए, यह जानना, विच वे वाइंड ब्लोज, कि क्या मतलब कि हवा किधर से बह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हवा किधर, किस रास्ते से हवा बह रही है, पूरब से बह रही है, पश्चिम से बह रही है, या फिर दक्षिण से बह रही है, उत्तर से बह रही है। तो आप यह जानना चाह रहे हैं कि परिस्थिति में क्या बदला हुआ है, हवा उत्तर से बह रहा है या दक्षिण से बह रहा है। तो आप जानते हैं इंडियन फ्रेज सेम टू सेम मीनिंग बहुत कम रहता है, तो वही यहाँ पे है, जानना कि परिस्थिति में क्या बदलाव हो रहा है, और इसका मतलब होगा कि यह जानना कि हवा किधर से बह रहा है, मीनिंग सेम टू सेम है, फीलिंग आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये कंप्लीट हुआ कि के लिए, हम लोग रिविजन कर ले जल्दी से, इसको हम लोग ढक लेते हैं।
रख देते हैं ऊपर, पेज से चला गया। ये मैंने ढक दिया। देखिए की पे लेवल हेड, यहाँ मैंने बताया था हेड मतलब मानसिक संतुलन और उसको लेवल में रखना, बनाए रखना संतुलन में। एब्रेस्ट मतलब बराबरी होता है, तो बराबरी में चलना, साथ साथ चलना। ओपन हाउस खुले दिल से स्वागत करना। आर्म्स लेंथ यानी क्या हो जाएगा, अपने हाथ से दूर रखना, अपने हाथ के बराबरी, या फिर उसको ढकेलना हाथों से अपने हाथ। अब आप ढकेलेगा तो आपका हाथ का लंबाई जितना होता है तो ढकलाएगा ना। एट बे हट बे मतलब कि उसको दूर रखना, हटाना। कि बॉडी एंड सोल टुगेदर है यहाँ पे, तो बॉडी एंड सोल टुगेदर यानी कि आत्मा और शरीर को बनाए रखना, यानी खाना पीना भी मुश्किल से हो पाना, गुजर बसर हो पाना। चीन, चीन बहुत ही गजब का देश है, तो इसके संतुलन बना परिस्थिति बना के रखना पड़ता है। कीप ईयर टू द ग्राउंड, ये हो गया कीप ईयर टू द ग्राउंड मतलब कि निगाहें बनाए रखना, नज़दीकी निगाहें बनाए रखना। ये ऐसे होगा तो नज़दीकी काने काने कान जो है ग्राउंड बनाए रखना, लेकिन निगाहें ईयर या निगाहें की बात करेंगे। आप सिचुएशन याद कर लीजिएगा कैसे हो रहा है। आप कान जो है ज़मीन पर जा रहा है तो मतलब क्या निगाहें सामने की ओर देख रहा है, दिख जाएगा आपको। कीप आइज फील्ड यानी कि हो जाएगा इसका, कीप आइज फील्ड का मतलब आंखें खुली रखना, तो चौकन्ने रहना। क्यों खुला रखना पड़ रहा आँख भाई, चौकन्ने रहने के लिए। कीप फिंगर क्रॉस्ड, मैंने बताया था कि वो बच्चा जो है दोनों उंगली क्रॉस किया हुआ था और आंखें बंद किया हुआ था, कुछ उसको आस था कि वो होने वाला है, तो परिणाम के प्रति जागरूक होना लेकिन आशान्वित रहना। कीप हेड मानसिक संतुलन और कीप बनाए रखना लेकिन मुश्किल परिस्थिति में। कीप हेड एबव वाटर, अब वाटर यानी कि बाहर समझिए, वाटर जो बाहर के लिए बता रहे हैं, तो बाहर में आप या फिर पानी में ही आप अपना सर जो है ऊपर क्यों रखते हैं, ताकि आप सांस ले पाए, आप डूबे नहीं, इसके लिए। तो कीप हेड एबव वाटर, तो मुश्किल परिस्थिति से सफलतापूर्वक निपटना। कीप इन द डार्क, कीप इन द डार्क का मतलब होता है यहाँ पे अंधेरे में रखना, किसी को रहस्य नहीं बताना, छुपा कर रखना, संशय में रखना। कीप वंस वर्ड, अपना शब्द पूरा करना, अपना वचन पूरा करना। कीप पैंट्स ऑन, मैंने बताया धैर्य बनाए रखना इसका है। कीप द वॉल फ्रॉम द वॉल फ्रॉम द डोर है यहाँ पे, तो मैंने इसका पिक्चर दिखाया था कि भेड़िया को अपने दरवाजे से दूर रखना, कहीं वो घुस गया था वो खाना खा जाएगा, और ख़ास करके वो आदमी गरीब था तो बेचारा भूखमरी से मर जाएगा, तो भेड़िया को दूर रखना है ताकि भूखमरी से बच सके। कीप अंडर रैप्स यानी कि रहस्य बना कर रखना, छुपा कर रखना। कीप वंस, कीप अप वंस अपीयरेंसेस यहाँ पे है, यानी कि दिखावा करना आर्थिक संकट के बावजूद। किक इन द टीथ, अब मैंने वो पिक्चर दिखाए थे कि एक फुटबॉलर के पैर से उसका दांत में लग जाता है, तो अचानक निराशाजनक खबर टाइप का है। किक द बकेट, इसका मतलब होता है मर जाना, बहुत सिंपल सा है। कैंडर्ड स्प्रिट, ये होता है बहुत ही दयालु आदमी, दयालु आत्मा वाला आदमी, यानी कि सबकी भावनाओं को समझने वाला आदमी। किंग ऑफ मेटल, धातुओं का राजा सोना कहलाता है। की थन कीन, ये बहुत सिंपल सा है, सगे संबंधी। और नी जर्क रिएक्शन, झट से रिएक्शन देना, तुरंत स्वाभाविक प्रतिक्रिया देना। नीट ब्रोज, ये आपको बताना था, इसे इसका मतलब होता है मुश्किल परिस्थिति से निपटना, फिर बनाए रखना, परिस्थिति बनाए रखना। और नो विच वे द वाइंड ब्लोज, आसान सा है कि किस रास्ते से हवा बह रही है उसको जानना। तो फ्रेंड यानी कि इसका मतलब होता है कि परिस्थिति पर निगाहें बनाए रखना, परिस्थिति कैसी है, परिस्थिति बदलाव में हुआ या नहीं, इसको नज़र बनाए रखना, इसका मतलब होता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अपना कमेंट में ज़रूर बताएंगे और लाइक ज़रूर करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सकें, उनको भी याद हो जाए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ओके फ्रेंड, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा आइकन, इस आइकन को क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरा एक फ़ोटो है यहाँ भी दिख रहा होगा ये आइकन, और इस कॉर्नर में भी यहाँ पे ये मेरा शैडो कलर में यहाँ पे फोटो मेरा दिख रहा होगा, इस पर भी क्लिक कीजिएगा तो मेरा सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। ओके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फ्रेंड।